गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लेसन नंबर 16 चोरी। इसके कुछ पार्ट देखेंगे। उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1. चोरी करना अच्छा नहीं है, परंतु आज की स्थिति बड़ी डैश हो गई है। आंसर लिखेंगे लाचार। कुंदन ने काका के घर से डैश चुराया था अनाज। नंदन के अनुसार डैश का अंत नहीं था। बहस, मालती डैश को कोसने लगी, यानी खुद को। एक बार नीयत बिगड़ी तो फिर डैश नहीं रुकता। आंसर लिखेंगे यहाँ पे हाथ। मालती ने बिंदु को डैश से में खाना खिलाया, चौके में खाना खिलाया। बिंदु को अपने कमरे में ले जाकर नंदन ने डैश मेवा दिया। इसने पूर्ण आंसर लिखेंगे। व्यक्ति को वस्तु उपलब्ध नहीं होती तो वह डैश से प्राप्त करने नहीं हिचकता। आंसर लिखेंगे चोरी। नेक्स्ट, बिंदु की आंखें डैश आई। आंसर लिखेंगे डबडबाई। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। समाज में कितने प्रकार के लोग हैं? समाज में दो प्रकार के लोग हैं। किसकी आंखें डबडबाई? बिंदु की। नंदन अपने कमरे में क्या कर रहा था? अपने पत्र के लिए कुछ लिख रहा था। कुंदन ने पाका के घर से क्या चुराया था? गेहूं। कुंदन कहाँ पड़ा था? कुंदन कहाँ पड़ा था? यहाँ लिखेंगे नदी वाली कोठरी में। क्या बिगड़ने पर हाथ नहीं रुकता? नियत बिगड़ने में। मालती को किसकी चिंता हो रही थी? बिंदु की। मालती को कूड़ा फेंकने की जगह नंदन और मालती क्या दिखा? थोड़ा सा काजू और किशमिश। मालती कहाँ बैठी थी? आंसर लिखेंगे यहाँ पर घर के बरामदे में। मालती ने बिंदु को कहाँ देने के लिए कहा? यहाँ लिखेंगे पुलिस में। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के साथ दिए गए विकल्पों से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। 1. मालती की आवाज़ सुनकर बिंदु की चाल में डैश। आंसर लिखेंगे तेजी आ गई। असली बात जानने का यह तरीका है, या कौन कहता है? नंदन कहता है। नेक्स्ट, देख लेना एक दिन यही घर बिंदु घर में से डैश ट्रंक उठाकर न ले जाए तो मेरा नाम मालती नहीं। आंसर लिखेंगे ट्रंक इसमें। अरे वह तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है, यह हुआ कि कौन कहता है? कुंदन। नंदन ने पत्नी की बात सुनी तो उसके साथ डैश चेहरे पर डैश आ गई। यहाँ आंसर लिखेंगे प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट। कूड़ा फेंकने की जगह नंदन और मालती क्या दिखा? थोड़ा सा काजू और खारेक। आंसर होगा इसका। विद्यार्थी मित्रों, आज इतना ही। कल ग्रामर सेक्शन देखेंगे। थैंक यू।